हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दिव्य की मीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक राई विस्की आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी बात करते हैं ना राई विस्की की, तो भाई जेब से काफी मोटे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन आज जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा ना, वो 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में चेक रिपब्लिक से एक राई विस्की हमारे पास आई है, तो सारी डिटेल्स बताऊंगा कि पीने में कैसी है, क्या इसका नोज है, कैसा इसका टेस्ट है। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आप ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता रहता हूं। तो लो जी दोस्तों, ये है हमारी आज की बोतल, जो कि यूरोप से आती है, चेक रिपब्लिक से, स्तारा माई सिल्विका। नाम थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे ऐसे ही नाम चलते हैं, लेकिन हम लीकर को जज करेंगे, नाम को जज नहीं करेंगे। ये 700 ml की बोतल, 700 ml की, और ये मैंने चंडीगढ़ से खरीदी है। प्राइस भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक ग्रेन विस्की है, जिसको कि राई से बनाया जाता है। और एक शानदार बात पता क्या है, यूरोप की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डिस्टिलरी से ये आती है। 500 साल पुरानी ये एक डिस्टिलरी है, और इसको एक साल के लिए मैच्योर किया जाता है, जी हाँ, वो भी ओक बैरल्स में। तो इसमें जो एल्कोहल स्ट्रेंथ हमें मिलती है, ये थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं, मुझे लगता है काफी ज्यादा कम है। 38% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलती है, 40% से भी नीचे। तो ये मुझे केवल 800 रुपए की चंडीगढ़ से मिली, जी हाँ, केवल 800 रुपीज की आपको चंडीगढ़ से ये मिल जाएगी। उसके बाद गुड़गांव से अगर आप लोगे, तब भी 800 850 की मिल जाएगी। तो एक नई चीज मैंने देखी, एक नई विस्की देखी, तो सोचा कि क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए, इसके ऊपर रिव्यू बनाया जाए, शायद पीने में अच्छी हो। चलिए इसके इंग्रीडियंट्स देखते हैं। दोस्तों, इसमें राई विस्की का यूज किया गया, उसके बाद नेचुरल ड्राइड फ्रूट्स का यूज किया गया, वाटर का यूज किया गया, और ये जो आप कलर देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल कलर है। अब भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसमें लिखा है कि ड्राइड फ्रूट का यूज किया गया। अब भाई टेस्ट कैसा होगा, ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और पी के देखते हैं कि ये पीने में कैसी लगती है। दोस्तों, इसका कलर थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, लेकिन फिर भी इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज किया गया है, और इसे सिर्फ एक साल के लिए मैच्योर किया गया है। ये मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर पढ़ा था, थोड़ा सा सर्च किया मैंने इसके बारे में, कि इसको एक साल के लिए ओक बैरल्स में मैच्योर किया जाता है। चलिए करते इसको नोज। चीयर्स भाई। नोज के ऊपर ना एक डीप नोट मुझे आ रहा है, और वो भी ड्राइड फ्रूट का। जी हाँ, जैसा इन्होंने ऊपर लिखा है ना, ड्राइड फ्रूट, तो भाई वो कहीं ना कहीं नोजिंग के ऊपर जरूर मिलेंगे। हल्का राई का भी अरोमा इसमें आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वनीला, थोड़ा थोड़ा हनी, और हल्की सी एल्कोहल की विफ मुझे भी आ रही है। जी हाँ, हल्का सा एल्कोहल का विफ मिल रहा है। तो चलिए करते हैं टेस्ट। चीयर्स। भाई स्वीट है, जी हाँ, पीने में स्वीट है, शहद का बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। हल्के हल्के वो जो डार्क फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट, जैसे कि प्लम्स, रेजिन्स, उसके काफी बढ़िया टेस्ट इसमें से आ रहा है। भाई पीने में सच में अपने प्राइस को जज कर रही है। नीट पीने में ज्यादा मुझे अल्कोहल का बर्न इसमें नहीं मिला। भाई सच में मैं अमेज हो गया हूं, 800 रुपए की मैंने ये ली है, और बहुत ही एक सिल्की स्मूथ वेलवटी एक्सपीरियंस मुझे इसमें से मिल रहा है। बहुत बढ़िया एक ये प्रोडक्ट है। हल्का सा इसमें पानी ऐड करते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसको ऑन द रॉक्स अगर पियो तो बहुत बढ़िया टेस्ट निकलता है। चलिए थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। अल्कोहल की बर्न इसलिए नहीं है, शायद इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ कम है। तो चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं इसको। चीयर्स। पानी मिलाने के बाद ना बिल्कुल एक चीनी शहद जैसी मीठी हो गई है, बहुत ज्यादा स्वीट हो गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक विस्की पी रहा हूं, एक क्रीमी, एक शुगरी, एक शहद का टेस्ट इसमें से आ रहा है। भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एक ये विस्की है, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। 800 रुपीज में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और जियो।